नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव जो है वो स्वराशि होने वाले हैं, स्वग्रही होने वाले हैं, खुद की ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रदेव 4 जून 2019 को स्वराशि, कहने का मतलब वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 जून से 28 जून तक शुक्रदेव वृषभ राशि में ही या फिर खुद के ही घर में रहने वाले हैं। चूंकि शुक्रदेव स्वराशि हो रहे हैं, खुद के ही घर में आ रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं, इस वजह से ये जो राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि शुक्रदेव कितने ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्रदेव जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, धन दौलत को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रदेव साक्षात माँ लक्ष्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप ये समझिए। और माता लक्ष्मी हमारे लिए कितनी पूज्यनीय है, कितनी प्रार्थनीय है, ये तो कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए, ये जो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है किन किन राशियों के जातकों के लिए सौगातें लेकर के आया है या फिर कहां पर सावधानी बरतने के संकेत भी लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर यह है कि भले ही शुक्रदेव इस राशि में मारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इस राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि, आय में वृद्धि, सेविंग्स में वृद्धि, यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर धन में वृद्धि, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ज्यादा बढ़ना, यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट मिलना, ये सब लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ मांगलिक प्रसंग के योग भी ये आपके घर परिवार में बनाने वाला है। घर या परिवार की या पारिवारिक स्थितियों की चर्चा कर लें तो बड़ी स्थितियां खुशनुमा यहाँ पर रहने वाली है। तो धन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है, मांगलिक प्रसंग या फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ ये जरूर से हो सकती है कि कार्य की अधिकता आपको ज़्यादा लग सकती है, मेहनत आपको ज़्यादा लग सकती है, प्रेशर आपको ज़्यादा लग सकता है, जो मेंटल प्रेशर होता है ना वो आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, दूसरे बदले में चीज़ें मिल भी तो रही हैं ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि शुक्रदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों की चर्चा करें तो भाई क्या कहना है, वृषभ राशि में ही तो शुक्रदेव प्रवेश कर रहे हैं। अभी वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सुख और समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि करने के लिए शुक्रदेव आ रहे हैं, आप बस इतना समझ लीजिए। वृषभ राशि के जातकों की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ने वाली है, लग्जरी लाइफ जो है आपकी बढ़ने वाली है, धन में वृद्धि आपकी यहाँ पर होने वाली है। साथ ही साथ यदि हम चर्चा करें आपके माइंड की, आपके थिंकिंग सिस्टम की, आपके सूझबूझ क्षमता की, तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपका जो मेंटल शार्पनेस है ना वो ज्यादा विकसित होगा, बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को आप किसी और के सामने रख पाएंगे। ये और अच्छी बात तब होती है जब आप बिजनेस करते हैं और किसी को अपना कोई माल बेचते हैं, ये अच्छी बात तब होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और खुद को किसी और के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं, ये और अच्छी बात तब होती है जब आप नौकरी करते हैं और नौकरी करते वक्त आपको कोई इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए तो आप ये बता सकते हैं, ये जाहिर कर सकते हैं कि आप क्यों उसके हकदार हैं। या ये बहुत अच्छी बात तब हो सकती है जब आप स्टूडेंट होते हैं और जब आपको एग्जाम देनी होती है। तो ओवरऑल सारी राशि या सारे क्षेत्रों में यदि हम चर्चा कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो समय है बहुत अच्छा होने वाला है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानांतरण के साथ साथ कहीं ना कहीं खर्च के योग भी मुझे बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। शत्रुओं की तादाद भी बढ़ सकती है, वाद विवाद की स्थिति से आपको यहाँ पर बचने की खासी जरूरत है। किसी को पैसा उधार ना दें, ना कहीं से पैसा उधार लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करने की मैं यहाँ पर सलाह दूंगा। भले ही मिथुन राशि के जो मालिक हैं वो बुध देव हैं और बुध और शुक्र में बड़ी मित्रता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये राशि परिवर्तन कोई खास होने वाला नहीं है। कर्क राशि के जातकों की चर्चा कर लें तो यहाँ पर मुझे लाभ दिखता है।
लाभ दिखता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीमेंट भी मुझे दिखता है, साथ ही साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपका प्रमोशन हो। भाई प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी? जब आपका प्रमोशन होगा तभी तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना। साथ ही साथ जब आप स्टूडेंट होते हैं और एक पायदान से अगले पायदान पर आगे बढ़ते हैं तब भी तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आती है, तो एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग भी आपका सक्सेस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, उस प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है, तो इसमें भी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद में कर्क राशि के बाद यदि सिंह राशि के जातकों की चर्चा करें तो नौकरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर आप अभी भी नौकरी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे अंक आपको प्राप्त हों, ऐसा ये समय है। मेहनत ज़्यादा कीजिए और सफल बनिए, यही आपके लिए मूल मंत्र रहेगा। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो केवल एक शब्द कहूंगा, भाग्य वृद्धि। जी हाँ, यही शब्द आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाग्य में वृद्धि का मतलब होता है यदि आप कोई एग्जाम फाइट कर रहे हैं या कोई एग्जाम में आप बैठे हैं तो वहाँ पर अच्छी तरह से आपको सब चीज़ें याद आ जाए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाए और उस एग्जाम में आप अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाए। यदि आप कहीं इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिले, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिले, यदि आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस आगे बढ़े, कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो प्रोजेक्ट आपका अच्छा हो, यदि आप अपनी लंबी बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं तो बीमारी इस वक्त आपकी ठीक रहे, तो इसे ही तो भाग्य वृद्धि कहते हैं ना। पारिवारिक सुख आपको मिले, भाग्य वृद्धि और क्या है। तो एक ही शब्द में मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा कि भाग्य वृद्धि यहां पर कन्या राशि के जातकों के लिए होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संकेत है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, भले ही शुक्रदेव की ही राशि है तुला राशि, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी यह है कि चिंता तनाव के योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चिंता तनाव या प्रेशर में आप ज़्यादा रहेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, याददाश्त में कहीं ना कहीं कमी महसूस हो सकती है, मन का भटकाव आपका ज़्यादा हो सकता है। अब यदि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी मन का भटकाव हो जिसकी वजह से आप उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म न कर पाए जितनी आप में काबिलियत है। हालांकि एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो वक्त है ये टेम्परेरी रहने वाला है, आने वाला वक्त ज़रूर से अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा संघर्ष का समय है, कार्य की अधिकता का भागा दौड़ी का समय है, जिसको आपको थोड़ा सा शांति के साथ निकालना चाहिए, मेडिटेशन करने का आप प्रयास करें। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो अफेयर्स में जो संबंध होते हैं लड़का या लड़की, इस तरह के अफेयर्स में या अपोजिट जेंडर के प्रति जो है आपका रुझान ज़्यादा इस वक्त के लिए बढ़ सकता है और ये आपको हो सकता है कि तकलीफ भी पैदा करे। कैसी तकलीफ? आप स्टूडेंट हैं, आपका रुझान अपोजिट जेंडर के प्रति बढ़ गया, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। नौकरी लगना चाहते हैं, इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका रुझान कहीं अपोजिट जेंडर के प्रति हो गया तो आप इस वक्त जो है उधर ही ज्यादा ध्यान लगाएंगे और अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको कहना यह है कि अपोजिट जेंडर के प्रति ध्यान को थोड़ा सा हटाना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य कोई दूसरा कार्य है, जैसे स्टूडेंट यदि आप है, यदि आपका लक्ष्य नौकरी करना, प्रमोशन लेना, तो वहां पर ध्यान आपको यहां पर इस वक्त के लिए लगाना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं, आपका तो भाई आपका लक्ष्य यह है कि शादी करना, ऑलरेडी अफेयर में है, प्रेम प्रसंग में है, तो उसमें सफलता मुझे जरूर से दिखती है, कोई शक नहीं है। तो आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा। एक दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग आपको रहना चाहिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो खर्च के योग बनते हुए नजर आते हैं, लॉस के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपको पैसा कहीं उधार देना भी नहीं है, कहीं से उधार लेना भी नहीं है, साथ ही साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, और यदि आप बिजनेस इस वक्त के लिए करना चाह रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये वक्त लॉस करवाने वाला दिखता है।
साथ ही साथ शत्रु निर्माण भी आपका हो सकता है जो कि आपको तकलीफ पैदा कर सकता है। वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है जो कि तकलीफ आपको पैदा कर सकता है। धनुराशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। आय में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है, प्रमोशन भी आपका हो सकता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपकी हो सकती है। स्टूडेंट है तो भी बहुत अच्छी तरह से आप परफॉर्म करेंगे जो कि आपको बहुत ही आगे भी ले जा सकता है। माइंड आपका बड़ा ही शार्प बनेगा, थिंकिंग सिस्टम आपका और मजबूत होगा, याददाश्त की शक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी। शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपकी जो पावर है या फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो और इंक्रीज होगा और मजबूत होगा। तो ओवरऑल मकर राशि के जातकों के लिए सफलताएं हैं। कुंभ राशि के जातकों की चर्चा करें तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वक्त नौकरी लगवाने वाला है। साथ ही साथ सुख सुविधाएं भी यहां पर बढ़ेंगी, धन आपका ज्यादा बढ़ेगा, आय आपकी ज्यादा बढ़ेगी, पैसा ज्यादा आएगा, जिसे सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं और सुख सुविधाएं भी आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। शारीरिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लंबी कोई बीमारी आपकी चल रही थी तो यहाँ पर खत्म होने के और उसमें आपको जो है शांति या राहत मिलने के योग भी बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा, बहुत उपलब्धि कारक है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, समय को इंजॉय करना चाहिए। फाइनली मीन राशि के जातकों की चर्चा कर लें तो भागा दौड़ी ज्यादा आपकी बढ़ेगी, कार्य की अधिकता आपकी ज्यादा बढ़ेगी। आपको लग सकता है कि मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, रिटर्न्स मुझे कम मिल रहे हैं, यह ज़रूर से हो सकता है, लेकिन फिर भी समय को निकल जाने की प्रतीक्षा करें। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा डिले हो। यदि आप कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं, पहले आप एक ही बार में या 5 मिनट में वो चीज़ याद कर पा रहे थे, अभी 10 मिनट आपको लगेगा याद करने में। तो कहने का मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगा और सफलता है जो है वो थोड़े समय के बाद आपको मिलेगी। लेकिन भाई मिलेगी भी ना, सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी कार्य को ज़्यादा करने के बाद, कार्य की अधिकता के बाद, मेहनत ज़्यादा करने के बाद, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेने के बाद। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, निकल जाएगी। आपको इस समय में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, चाहे आप नौकरी करें, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आपका बिजनेस हो। मेहनत ज़्यादा कीजिए, सफल बनिए, यही आपके लिए मूल मंत्र रहेगा, बीज मंत्र रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो समय है, ये जो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, शुक्रदेव का स्वग्रही होना है, शुक्रदेव का वृषभ राशि में आना है, या फिर कहें 4 जून से 28 जून तक का जो समय है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।